afternoon everyone and welcome Dr. Shashank Shah for our Science Sunday and I welcome you all and today we have a very different topic. जैसे हर बार हम लोग obesity और कोई एक बीमारी के बारे में बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे एक अलग सा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होती है पर सर ये obesity से related है तो हम आपसे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे. तो सर आज का हमारा टॉपिक है जैसे आप जानते हो कि गाइनेकोमेस्टिया एंड ओबेसिटी. तो आज मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज गाइनेकोमेस्टिया, मतलब वो क्या होता है और ये मतलब कैसे होता है. अगर आप इस बीमारी के बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा. ये गाइनेकोमेस्टिया को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में मेल ब्रेस्ट. ब्रेस्ट डेवलपमेंट जनरली हार्मोन की वजह से फीमेल में ही होती है, पर ब्रेस्ट की जगह पे मेल में, लड़के में, किसी में भी अगर फैट जमा होने लगा या वहां पे ब्रेस्ट जैसा थिक टिश्यू जमा होने लगा और उसका अपीयरेंस प्रोमिनेंट होने लगा तो उसको गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं. उसको मेल ब्रेस्ट या प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, या जैसे फीमेल जैसे अगर ब्रेस्ट का अपीयरेंस होने लगे तो उसको गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं. और ये भी एक बीमारी होती है, खतरे वाली नहीं होती पर बीमारी होती है और उसको ठीक कर सकते हैं. राधिका, शायद आपका क्वेश्चन सबको सुनाई नहीं दिया, आवाज ब्रेक हो रहा है. व्हाट कैन कॉज गाइनेकोमेस्टिया, मतलब गाइनेकोमेस्टिया क्यों होता है. अभी ब्रेस्ट की जगह पे जब फैट जमा होता है तो उसको गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं. कुछ दवाई से होता है, कुछ ट्यूमर से होता है, पर ज्यादातर ये हार्मोन से होता है. जब किसी का वजन बढ़ता है तो वहां पे चेस्ट के यहाँ पे फैट जमा होने लगता है. ये सबसे कॉमन और प्रोमिनेंट रीजन होता है. बहुत बार फैट में से हार्मोन जो तैयार होते हैं उससे मेल हार्मोन का प्रपोर्शन कम होके फीमेल हार्मोन का या एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है और फिर वो फीमेल हार्मोन के स्टिमुलेशन से ब्रेस्ट की जगह पे मेल में भी फैट और ब्रेस्ट टिश्यू डिपॉजिट होने लगता है. उसको गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं. जैसे ये फैट की वजह से होता है वैसे किसी ट्यूमर से, कुछ दवाई से, लिवर की बीमारी से, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे ब्रेस्ट के यहाँ पे फैट मेल में डिपॉजिट होता है, उसको गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं. साइंटिफिकली उसको देखना पड़ता है कि उसका रीजन कौन सा है. Obviously, अगर ओबेसिटी हो, वजन ज्यादा हो तो वो प्रोमिनेंट रीजन होता ही है. अगला मेरा सवाल है कि जैसे हर चीज के लिए या फिर वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं लोग, क्या उसी प्रकार से गाइनेकोमेस्टिया के लिए कोई एक्सरसाइज है और अगर वो करते हैं तो क्या परमानेंटली ट्रीट हो सकता है. बहुत बार ऐसे होता है कि गाइनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट को जो फैट है वो एक्सरसाइज के बाद थोड़ा दर्द होने लगता है, लोग कंप्लेन करते हैं और सभी को लगता है कि ये सिर्फ एक्सरसाइज है और उससे ये भी फैट चला जाएगा, पर ये हार्मोन की वजह से डिपॉजिट होने वाला फैट होता है. एक्सरसाइज से बाकी का फैट कम हो सकता है या अगर ओबीस पर्सन में थोड़ा सा ज्यादा फैट हो थोड़ा फैट कम हो सकता है, पर गाइनेकोमेस्टिया या ब्रेस्ट एक्सरसाइज से डिसअपीयर नहीं होते. उसके रीजन को ट्रीट करना पड़ता है. हो सकता है कि एक्सरसाइज से आपका वजन बढ़ना कम हो जाए तो गाइनेकोमेस्टिया का बढ़ना तो कम से कम कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा फैट अंदर नहीं डिपॉजिट होगा. पर ये डबल कॉम्पोजिशन होता है. ब्रेस्ट की ग्लैंड होती है, थिक टिश्यू होता है जो हाथ को एकदम फर्म लगता है और थोड़ा फैट होता है उसमें से थोड़ा बहुत फैट भी कम होने से गाइनेकोमेस्टिया पूरा ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो मिक्स होता है. ब्रेस्ट टिश्यू और फैट दोनों साथ में आते हैं जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं और इसलिए ये हार्मोन एक्सरसाइज से टोटली नहीं बदलते और ब्रेस्ट एकदम नॉर्मल साइज में नहीं आ सकती. पर एक्सरसाइज करना अच्छा है पर उससे गाइनेकोमेस्टिया कंप्लीटली ट्रीट नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली. अदर ट्रीटमेंट्स इफ वी डू एक्सरसाइज देन इट कैन हेल्प, पर जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है गाइनेकोमेस्टिया का वो करना ज्यादा जरूरी है. मतलब सिर्फ एक्सरसाइज इज नॉट अ
साइंटिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टू ट्रीट गायनेकोमास्टिया। जैसे गायनेकोमास्टिया होते तो उसके कुछ स्टेजेस होंगे, मतलब इमीडिएटली तो गायनेकोमास्टिया होता नहीं होगा मेरे ख्याल से, मतलब आप ही बता सकते हो, तो क्या स्टेजेस होते हैं और कब पता चलता है कि इट इज द राइट टाइम टू गो एंड टेक, मतलब क्या जल्दी डायग्नोसिस करने का बेनिफिट होता है? ये गायनेकोमेस्टिया बढ़ते रहने वाली चीज है, जैसे वजन बढ़ता है वैसे ब्रेस्ट टिश्यू का साइज मेल में बढ़ता है। अगर वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखता हो तो उसको स्टेज वन या ग्रेड वन बोलते हैं। अगर वो उससे भी ज्यादा हो, जो कपड़े में से भी बहुत आसानी से दिखने लगे, उसको ग्रेड टू बोलते हैं। कभी कभी फिर इतना प्रोमिनेंट होने लगता है कि कपड़े में से हलते हलते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त वो प्रोमिनेंट दिखने लगता है और उसमें स्किन का एक्सेस थोड़ा ज्यादा होता है। जब स्किन का एक्सेस ज्यादा होता है तो वहां पे उसको एक हैंग या फॉल आ जाता है, उसको ग्रेड थ्री बोलते हैं। और अगर इसको वक्त पे ट्रीट नहीं किया जाए तो फीमेल ब्रेस्ट जैसा अपीयरेंस आने लगता है, स्किन बहुत एक्सेस होने लगती है, और जब स्किन बहुत एक्सेस होती है तो स्किन की ट्रीटमेंट के बिना वो पूरा ट्रीट नहीं हो सकता, यहाँ तक रुकना ठीक नहीं है। जैसे ही जल्दी गायनेकोमेस्टिया अगर पता चले तो मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट से और हार्मोनल करेक्शन से उसको वक्त पे अगर ट्रीट किया तो आगे का कॉम्प्लिकेशन या आगे का मे बी विजुअल इम्प्रेशन टाला जा सकता है। इसलिए गायनेकोमेस्टिया को भी एक बीमारी समझ के वक्त पे एक्सपर्ट से उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सर आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे किया कि गायनेकोमेस्टिया भी बीमारी है, मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए नहीं पर एक बीमारी समझ के उसको भी जो उसके स्पेशलिस्ट है उनसे ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। पर अभी थोड़ी देर पहले सर आपने ये भी बताया कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गायनेकोमेस्टिया, तो आप क्या बताएंगे कि ओबेसिटी और गायनेकोमेस्टिया का क्या रिलेशनशिप होता है? बहुत बार मैं ऐसे बोलूंगा कि गायनेकोमेस्टिया ये ओबेसिटी का एक प्रेजेंटेशन होता है, एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट जो बॉडी में होता है, पेट में होता है, पूरे ऑर्गन्स में होता है, वहां से हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होके एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन मेल में ब्रेस्ट की जगह पे, वेस्ट की जगह पे होने लगता है। उसके बाकी के भी इफेक्ट होते हैं पर ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन है। अगर आपको ये पता चले और वक्त पे आप ओबेसिटी की ट्रीटमेंट ओबेसिटी एक्सपर्ट से करने लगे तो गायनेकोमेस्टिया का प्रोग्रेशन रुक सकता है या वो एकदम कंट्रोल हो सकता है अगर वो ग्रेड वन में है तो। अगर ग्रेड थ्री ग्रेड फोर में भी है तो भी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करनी ही पड़ती है ताकि उसमें से जो एक्सेस फैट है वो कम होके फिर बाद में गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट करनी आसान हो। पर ये आज के टाइम में बहुत बार दिखता है कि यंग लड़के, कॉलेज गोइंग लड़के, स्कूल गोइंग लड़के ब्रेस्ट प्रोमिनेंट होने की वजह से डॉक्टर के पास आते हैं और उनको लगता है कि एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाएगा, पेरेंट्स को भी लगता है कि एक्सरसाइज से ठीक होने लगेगा, पर ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर है तो हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट करने तक ये ठीक नहीं होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस मेजर करके करने के लिए कुछ दवाइयां भी होती है, पर अगर ओबेसिटी की वजह से अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करने से ही ये हार्मोनल इम्बैलेंस कम हो सकता है। अगर ग्रेड वन के या ग्रेड टू के पास में जहाँ पे स्किन एक्सेस नहीं है उसी टाइम पे अगर ओबेसिटी की कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं तो गायनेकोमेस्टिया का रिडक्शन एक्सेप्टेबल होता है, उसको और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और वेट लॉस की ट्रीटमेंट करते हैं तो गायनेकोमेस्टिया जो बहुत ग्रेड थ्री ग्रेड फोर जैसे है उस वहां तक जाने से हम लोग रोक सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को वैसे हुआ भी है तो उसको ओबेसिटी ट्रीट करके बाद में गायनेकोमेस्टिया की भी ट्रीटमेंट कर सकते, मतलब उसको ट्रीटमेंट होती है, राइट? तो सर और एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि ट्रीटमेंट्स होती है, पर क्या आप थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया की क्या ट्रीटमेंट होती है, और उसी के साथ में जो अभी आपने बोला कि वजन कम करने के बाद गायनेकोमेस्टिया कम हो सकता है इन द अर्ली स्टेज, तो वजन कम करने के लिए भी विद गायनेकोमेस्टिया क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो दोनों के बारे में आप क्या बताएंगे? कुछ मेडिकेशन गायनेकोमेस्टिया होता है
अगर किसी ट्यूमर किसी बीमारी की वजह से है उसकी जांच करनी चाहिए। कुछ दवाई होती है जिससे इस्ट्रोजन कम हो जाता है, एंटी इस्ट्रोजन बोलते हैं, जिससे भी गायनेकोमेस्टिया ट्रीट हो सकता है। अगर किसी की माइल्ड ओबेसिटी हो तो उसको माइल्ड ओबेसिटी की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा ओबेसिटी हो तो कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, और बहुत बहुत बार ये मॉर्बिड ओबेसिटी के साथ में या सीवियर ओबेसिटी के साथ में गायनेकोमेस्टिया एक पार्ट होता है, और उस टाइम पे गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट पे प्राइमरी फोकस नहीं करते, फिर उनको चाहिए तो मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी से वजन कम हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली इस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट होने लगती है। इसके बावजूद अगर रेसिडुअल गायनेकोमेस्टिया है तो उसको ट्रीट करना मिनिमल इन्वेसिव मेथड से बहुत आसान हो सकता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और सर बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब ये टॉपिक थोड़ा ऐसा होता है कि बहुत ओपनली नहीं बोल सकते, पर बहुत लड़कों को ऑकवर्ड लगता है ये गायनेकोमेस्टिया होता है तो, पर आज वो भी मतलब उन लड़कों को भी समझ में आ गया होगा ये वीडियो देख के कि जरूर इसकी ट्रीटमेंट होती है, मतलब जो भी कॉज है। बहुत बार अगर किसी पतले लड़के को भी है तो उसका भी ट्रीटमेंट जैसे आपने बोला है, और अगर ओबेसिटी की वजह से है तो ओबेसिटी ट्रीटमेंट जरूरी है, एंड देन ऑटोमेटिकली हार्मोनल इम्प्रूवमेंट होता है। सर और एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि बहुत बार ये अननोटिस्ड रह जाता होगा तभी तो वो आगे बढ़ता होगा गायनेकोमेस्टिया, और अगर हम लोग गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट नहीं करते, मतलब समझ लेना कि कोई मॉर्बिडली ओबीज है और ट्रीटमेंट नहीं की गायनेकोमेस्टिया की, तो उसका क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या फिर हेल्थ पे कोई इफेक्ट होता है इफ इट रिमेन्स अनट्रीटेड? वैसे इससे जान को कोई खतरा नहीं है, पर ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है, और फिर अगर स्किन बहुत एक्सेस में बढ़ने लगे और उसको एक फॉल और हैंग आ जाए, तो फिर उसकी सर्जरी या उसकी ट्रीटमेंट में स्किन की ट्रीटमेंट या एक्सेस स्किन को निकालना जरूर होता है। और फिर अगर उसको सिंपल स्कारलेस मेथड से ट्रीट करना हो तो स्टेज थ्री या स्टेज फोर जाने के पहले ही ट्रीट करना है। हालांकि स्टेज थ्री और स्टेज फोर के लिए भी अच्छी ट्रीटमेंट आज के टाइम में मिनिमली इन्वेसिव अवेलेबल है, इसमें डरने की बात नहीं है। एक दिन की सिंपल ट्रीटमेंट होती है और ये गायनेकोमेस्टिया पूरा ठीक कर दिया जा सकता है, और इसमें 100% अच्छा रिजल्ट आता है, और इसके बाद वापस ब्रेस्ट टिश्यू आने का चांस कम होता है, पर उसके साथ में हॉर्मोन्स को ठीक करना और ध्यान देना बाकी की बीमारियों के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर सर मॉर्बिड ओबेसिटी है और सिर्फ जैसे आपने बोला कि जो मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होती है सिर्फ गायनेकोमेस्टिया ट्रीट करने की, अगर कोई बस वो गायनेकोमेस्टिया ट्रीट करे और ओबेसिटी की ट्रीटमेंट ना ले, तो क्या ये गायनेकोमेस्टिया वापस आ सकता? अगर ये ब्रेस्ट टिश्यू और फैट अच्छी तरह से कंप्लीट निकाल दें तो गायनेकोमेस्टिया जनरली वापस नहीं आता है, पर अगर ओबेसिटी की ट्रीटमेंट पूरी ना दे तो फैट डिपोजिशन तो टेस्ट में वापस हो सकता है, और इसलिए ओबेसिटी की ट्रीटमेंट उसके साथ में देना जरूरी है, क्योंकि फैट डिपोजिशन ब्रेस्ट के अराउंड के टिश्यू में, चेस्ट वॉल में, आर्म्स में, पिट्स में, सभी में आ सकता है, जिससे ये कॉस्मेटिकली शायद लड़कों को ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसीलिए ट्रीटमेंट ये साथ में ही देते हैं। तो सर तो फिर आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपने आंसर दिए हैं, और हमें पता चला है कि ये जो बीमारी है गायनेकोमेस्टिया की उसको ओपनली डॉक्टर से डिस्कस करके उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है स्पेशली यंग लड़कों में। तो मुझे जैसे आप हमेशा से हमें मतलब जाते जाते कोई टिप देते हो, तो आप क्या बताओगे कि आज हम लोग जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी गायनेकोमेस्टिया के बारे में आप कुछ मैसेज जनरेशन ये यंग जनरेशन को देना चाहते हो? तो ये गायनेकोमेस्टिया बहुत बार ओबेसिटी का फर्स्ट इंडिकेशन होता है। आपके फ्रेंड्स, आपकी मदर, आपके घर वाले, या आप कभी भी कपड़े पहन के मिरर में देखते हो तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा। अगर आपके मेल में ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है तो मेल हार्मोन का लेवल टेस्ट करना जरूरी है, दूसरा कोई रीजन है या नहीं देखना जरूरी है, और अगर ओबेसिटी है तो उसको पहले एग्रेसिवली ट्रीट करना जरूरी है। इसी टाइम पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट फिर होती क्या है। ये स्किन के अंडर, ब्रेस्ट के स्किन के अंडर ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट होता है, जिसको
एक अल्ट्रासाउंड या गाइडेड लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं, छोटा सा पंक्चर लेके ये पूरा फैट सक कर सकते हैं और उसी पंक्चर से वो ब्रेस्ट टिश्यू भी निकाल सकते हैं, चेस्ट वॉल पूरी फ्लैट हो जाती है, स्किन मसल को चिपक जाती है और नॉर्मल मेल जैसा अपीयरेंस पूरा वापस आ सकता है। और ये मिनिमल इन्वेसिव स्कारलेस पेनलेस डे केयर ट्रीटमेंट है, एक दिन में सब लोग ठीक हो सकते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। पर ये जब ट्रीट करते हैं तो उसके साथ में बाजू वाला फैट भी कम होना जरूरी है ताकि आपका चेस्ट का अपीयरेंस प्रोपोर्शनेट लगे और आपके हॉर्मोन्स भी करेक्ट हो जाए। तो अगर ओबेसिटी के साथ है तो ओबेसिटी की ट्रीटमेंट और उसके बाद गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट, आइसोलेटेड गायनेकोमेस्टिया है तो उसको एकदम मिनिमली इंसिजन से लाइपोसक्शन से, लाइपोसक्शन में भी टाइप होते हैं, जब लाइपोसक्शन से करते हैं मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैंने ये वापस रिपीट किया, एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड लाइपोसक्शन होता है जिसमें फैट सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, लिक्विफाई होते हैं और सक्शन से पूरे निकल जाते हैं। कभी कभी थिक टिश्यू निप्पल के अंडर रहता है, जो ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, उसको छोटे से इंसिजन से जो निप्पल के अंदर ही हो, जो किसी को बाद में ना दिखे, उस इंसिजन से वो टिश्यू को भी निकाला जाता है और फिर फैट और ब्रेस्ट टिश्यू निकालने के बाद वो स्किन पूरी चिपक जाती है। जिनको कभी स्किन एक्सेस हो उनको भी कॉस्मेटिकली बिना दिखाई देने वाले स्कार में से निकालने के तरीके होते हैं और ये पूरा 100% नॉर्मल जैसा रिजल्ट भी आ सकता है। पर उसके साथ में ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करना, एक्सरसाइज करना, ये सब गायनेकोमेस्टिया की ट्रीटमेंट नहीं होते हुए भी अच्छी हेल्थ के लिए है तो उसको कंटिन्यू करना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग सेशन और बहुत अलग टॉपिक था तो हमेशा से, और हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं उनके उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश तो जरूर की है पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, तो अगर किसी को इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हमारे ये प्रोग्राम को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और हम लोग उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस लाइक ऑन एवरी संडे एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन नेक्स्ट संडे। थैंक यू थैंक यू। Thank you.